नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे क्यों वर्जित है औरतों का शमशान जाना। अपनी कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सभी दुखी होते हैं। मरने वाले व्यक्ति के दुनिया से चले जाने के गम में आंसू बहाते हैं। आंसू बहाते हुए पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को देखा जाता है। महिलाएं जो अपने खास के मरने के गम ने सबसे ज़्यादा आंसू बहाती हैं, पर जब अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ महिलाएं नहीं जाती हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है, आइए आज हम आपको बताते हैं। बात यह है कि पहले हम बताना चाहेंगे कि आजकल के नए युग में लोग इन सभी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो विश्वास करते हैं उन्हीं के लिए यह जानकारी हम दे रहे हैं। सबसे पहला कारण यह है, किसी व्यक्ति की मौत होती है तो सबके घर से निकलते ही पूरे घर आंगन को साफ सुथरा करते हुए धोया जाता है। फिर खाने पीने का सामान तैयार किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति ना रह सके। इन्हीं सभी कामों को करने के लिए महिलाओं का घर में रहना जरूरी है। दूसरा कारण, शमशान से लौटने के बाद पुरुषों के पैर धुलाने तथा स्नान कराने के लिए घर में महिला पहले से ही साफ सुथरी और शुद्ध हो जाती है। तीसरा कारण, इस पर ज़्यादातर लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो सुपर नेचुरल पावर व विश्वास करते हैं उनके अनुसार शमशान में आत्माओं का वास होता है और इन भटकती आत्माओं तथा भूत प्रेतों से महिलाओं में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि बुरी आत्माएं वर्जिन महिलाओं को निशाना बनाती हैं। यूँ कहें कि जो महिलाएँ शारीरिक रूप से शुद्ध और पवित्र रहती हैं उन पर सुपरनेचुरल पावर का प्रहार जल्दी होता है। चौथा कारण, हिंदू रीति रिवाजों के अंतर्गत अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले परिवार के सदस्यों को अपने बाल मुड़वाने होते हैं। इस प्रथा से महिलाएं दूर रहें, इसलिए उन्हें वहां जाने की अनुमति नहीं होती है। पांचवा कारण, लड़कियों का दिल लड़कों की अपेक्षा कम कठोर होता है। कहा जाता है कि अगर कोई शमशान घाट पर रोता है तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अगर इस कार्य में महिलाएं शामिल हों तो निश्चित ही रोएंगी, इसलिए भी इन्हें अंतिम संस्कार में शामिल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, कृपया कर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।